हेलो फ्रेंड्स, कमर किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चना और मटर दो चीज़ों से मिक्स आज घुघरी बनाएंगे। तो उसके लिए हमने प्याज और हरी मिर्च इस तरह से ले लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने कुकर धो लिया है और चना मटर को हमने साफ से धोकर इसमें डाल देंगे कुकर में। अब इसमें ये हमने एक बड़ी प्याज काटा है और तीन हरी मिर्च, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और एक टमाटर हमने काट के रखा है, उसे भी इसमें डाल देंगे। अब सारे मसाले हम इसमें डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और धनिया एक चम्मच। लाल मिर्च एक चौथाई चम्मच। हल्दी आधा चम्मच। कुटी लाल मिर्च आधा चम्मच। और दो चम्मच हम तेल डालेंगे, दो छोटे चम्मच के तकरीबन। और इन सभी को चम्मच से बढ़िया सा मिक्स करेंगे हम। फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें एक कप पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि ये घुघरी अच्छे से पक जाए, गल जाए। तो एक कप पानी डाल के इसको हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, उधर हमने चढ़ा दिया पकने के लिए और अब हमारा घुघरी पक भी गया है। अब हम अलग पैन में इस तरह से एक छोटा चम्मच डालेंगे तेल, और इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालकर चटकाएंगे। अब देखिए, हमारा ये घुघरी रेडी हो गया, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम चाट मसाला आधा चम्मच डालेंगे, और अमचूर आधा चम्मच। इसको हम चटपटा बनाएंगे, इसलिए अमचूर भी डालेंगे। और एक चम्मच भर कर इसमें हम छोला मसाला जो होता है वो हम डालेंगे, चने का मसाला। ये देखिए, हमारा ये मटर और चने अच्छे से गल गए हैं। इसे हम थोड़े से 2 से 3 मिनट इसको हम भूनेंगे बढ़िया सा, और गैस बंद कर देंगे। और इसमें हम नींबू डाल देंगे, आधा नींबू का रस डालकर बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। इसे हमें चटपटा बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये बढ़िया हमारा चटपटा घुघरी बनकर रेडी हुआ है। अब इसमें हम हरी धनिया डालकर गार्निश कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए चटकारेदार हमारा चने और मटर की घुघरी रेडी हो गई है। अभी इसे हम डिश आउट करते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए कितना देखने में कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए टमाटर, प्याज और हरी मिर्च से इस तरह से हम ऊपर से डाल देंगे। और हरी धनिया से ऊपर से गार्निश कर देंगे। देखिए कितना प्यारा हमारा चटपटा चटकारेदार चना मटर की घुघरी बनकर रेडी हुई है फ्रेंड्स। इसे चाट कहिए या घुघरी कहिए, बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुआ है ये। इसे आप शाम को चाय के साथ खाइए या बारिश हो रही हो तब खाइए, बहुत टेस्टी बहुत ही मज़ेदार। देखकर ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, बहुत टेस्टी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे हम चेक कर भी बता रहे हैं, बहुत टेस्टी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बहुत चटपटा चटकारेदार हमारा चाट या घुघरी कहिए बनकर रेडी हुए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई पसंद तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।